सो है माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश व्लॉग में। और आज दोस्तों हूँ मैं फिल्म सिटी मंडावा में, और यहाँ पे जो है बॉलीवुड के 100 से भी ज़्यादा मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है, और यहाँ पे एड शूट भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। लेटेस्ट जो मूवी आई थी मिमी, जो कि सुपर हिट रही है, ब्लॉकबास्टर रही है, जो कि कीर्ति सैनन जिसमें एक्टिंग की थी, तो उसकी भी शूटिंग जो है यहाँ पे हुई थी। लेकिन उस वीडियो की हम लोग, उस मूवी की हम लोग आगे बात करेंगे, और आज हम लोग बात करेंगे बजरंगी भाईजान मूवी की। तो यहाँ पे जो है दोस्तों बजरंगी भाईजान का जो पाकिस्तान वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा इसी जगह पे शूट हुआ था, इसी मंडावा में। वैसे तो ये एक हिस्टोरिकल गाँव है, लेकिन यहाँ पर जो है बॉलीवुड वालों ने इसको जो है फिल्म सिटी का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पर आए दिन जो मूवीज़ है, बॉलीवुड मूवीज़ है या फिर हॉलीवुड मूवी कह लो, साउथ मूवीज़ है, उनकी भी शूटिंग हुई हुई है यहाँ पे। तो अभी नज़र डालेंगे हम लोग कि बजरंगी भाईजान की जो मूवी जो शूट हुई थी उसकी लोकेशन कौन कौन सी है, और पाकिस्तान का जो सीन यहाँ पे दिया गया था वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों शुरुआत हम लोग करेंगे जैसे ही बजरंगी भाईजान जो है हमारे सल्लू भाई है जो पाकिस्तान में एंट्री करते हैं, तो जब वो यहाँ पर पहली दफ़ा बैठते हैं, जहाँ पर नाश्ता करते हैं सुबह का, तो वो जो जगह होती है दोस्तों वो ये होती है। ये जो जगह है इसको जो है यहाँ पे नाश्ता वाला बनाया गया था, जो बजरंगी भाईजान उनका जो होटल में खाना खाते हैं, जो यहाँ पे बेंच लगी हुई होती है, और ये जो लोकेशन है वो होती है। तो ये जो है पहली लोकेशन थी उनकी, और उसके बाद जो अपोजिट में दिखाया जाता है, आप लोग यहाँ पे एक बार देख लेना, मैं वो फ़ोटो भी शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो ऐसा का ऐसा सेटअप था। तो यहाँ पे जो नाम वगैरह वो पाकिस्तान वाले लिख दिए यहाँ पे उर्दू में, और दूसरी जो यहाँ पे सीन था वो इस साइड से लिया गया था। यहाँ पे वो जो वॉल है वो आप लोग देख सकते हो, उस वॉल के ऊपर जहाँ पे अपने सल्लू भाई बैठे रहते हैं और यहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो एक सीन वो हो गया, वो भी यहीं पे शूट हुआ था। और तीसरा जो सीन था दोस्तों वो यहाँ पे था, जब वो पानी पीते हैं, एक ऊँट यहाँ पे खड़ा हुआ होता है, तो तीसरा सीन वो था। तो फ़ोटो आप लोग देख लो, साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, तो कंपेरिजन कर सकते हो। और यहाँ से बस 2 मिनट की वॉक, 2 मिनट भी नहीं, मैं बोलूँगा 1 मिनट की वॉक, उसके बाद जो सीन शूट होता है दोस्तों, एक बार ये लोकेशन मैं आपको वापस दिखाता हूँ। तो नॉर्मल से दिखने वाली लोकेशन काफ़ी पॉपुलर है, यहाँ पे जो है स्नेहा राम जी लडिया की हवेली है ये, और ये काफ़ी कमाल की हवेली है दोस्तों। तो अभी दूसरी लोकेशन पर चलते हैं, जहाँ पर जो है सलमान भाई जो है नाश्ता करने के बाद निकलते हैं मुन्नी को लिए, तो वो लोकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और साथ में जो है सलमान खान के जो, सॉरी नवाजुद्दीन सर के जो दोस्त होते हैं जो भागते हैं पुलिस से बच के, तो वो भी कहाँ कहाँ से भागते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ। एक्चुअली पूरी मूवी यहीं पे शूट हुई हुई है, जो हाफ जो पार्ट है पाकिस्तान वाला वो ऑलमोस्ट यहीं पे शूट किया गया है पूरा का पूरा, बाकी जो चलने वाला है जो गाड़ी वाला पार्ट है वो दूसरी जगह पे है, लेकिन किया यहीं पे गया है। तो अभी चलते हैं दूसरी लोकेशन पे। हवेली आप लोग देख सकते हो काफ़ी कमाल की है, यहाँ पे भी शूट हुई थी, लेकिन हम लोग पहले चलेंगे जहाँ पे जो नवाजुद्दीन सर वाला जो बंदा है, जो साथ में होता है रिपोर्टर, वो जो भागता है पुलिस से बच के, वो जो लोकेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी यार यहाँ की वाइब ही अलग है, मतलब काफ़ी पीसफुल जगह है ये, काफ़ी अच्छा लगता है। ये हेरिटेज सिटी है। यहाँ पे जो है नवाजुद्दीन सर वाला जब भागता है बंदा, इस साइड भागता है वो, यहाँ से ऐसे टर्न लेता है, तो यहाँ पे जो पुलिस वाले खड़े होते हैं वो यही जगह है, यही घर था, इसके आगे ही खड़े होते हैं। तो एक बार आप लोग देख सकते हो वापस, छोटी छोटी जगह को मतलब कितना अच्छा बना दिया उन लोगों ने। और जो टर्न लेता है ऊँट वाला, वो भी आपको दिखाता हूँ कहाँ से लेता है। एक जो जगह थी वो ये थी, जहाँ पे ऊँट बंधे हुए होते हैं वो यहाँ पे थी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बंदा चलता है एक, और यहाँ पे सामने से वो पुलिस वाले अंकल खड़े होते हैं जो उनको ताकते रहते हैं। तो जब नवाजुद्दीन सर वाले जो साथी होते हैं जो भागते हुए यहाँ से आते हैं, तो एक सीन वो हो गया, वो यहाँ पे लिया गया है, और उसके बाद जब वो वापस भागता है और जो हमें दिखते हैं जो मोहम्मदन पाकिस्तान वाले, वो यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ से पुलिस वाले ऐसे टर्न लेते हैं। आप लोग फ़ोटोज़ में देख सकते हो, मैं साथ साथ फ़ोटोज़ भी शेयर कर रहा हूँ। तो अभी ये हो गया, और अभी जो इसके बाद वो जो भागता है, उसके बाद जो मुन्नी को लेके हमारे सलमान भाई निकलते हैं यहाँ से, वो लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली 5-10 मिनट का टूर है ये पूरा, और चलते हैं अभी धीरे धीरे। बाकी हवेली आप लोग देख सकते हो क्या कमाल की है यार, रेनोवेशन चल रहा है इनका। तो ये फिल्म सिटी से कम नहीं है, राजस्थान की फिल्म सिटी यही है मंडावा, और काफ़ी अच्छी वाइब है।
तो ये भी हवेली आप लोग देख सकते हो। तो जो है सलमान भाई फिर वहाँ से जो है जो खाना खाते हैं, जैसे आते हैं वहाँ से नाश्ता वगैरह करते हैं, जो प्लेट थाली वगैरह खाते हैं, उसके बाद जब निकलते हैं मुन्नी को लेके, तो कहते हैं चल मुन्नी चल मुन्नी। वो सीन शूट कहाँ हुआ था? वो यहाँ हुआ था। तो यहाँ से जो है सलमान भाई आते हैं उस साइड से, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो दरवाज़ा है वो, उसके पीछे जो गेट है वो हवेली है, यहाँ से चलते हुए आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है एक क्लोजअप शॉट लिया गया था सलमान भाई का, पीछे से ब्लर कर दिया, तो सामने वाला गेट है वो आप लोग देख सकते हो यहाँ से लिया गया था, और आप लोग मैच कर सकते हो। फोटो मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ से, आप लोग फोटो बाय फोटो मैच कर सकते हो। और एक जो है मुन्नी जब यहाँ पे दिखती है, तो मुन्नी वाला जो सीन होता है वो यहाँ से लिया हुआ होता है, इस जगह से विंडो आप लोग देख सकते हो। और कलर का थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो जो लोग क्या है VFX का यूज़ करते हैं और अपनी जो है एडिटिंग है, तो एडिटिंग से थोड़ा बहुत हटा देते हैं, तो वो जो विंडो है वो यहाँ से होती है। तो ये भी मैंने आपको दिखा दी। अब यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ जो चेक पोस्ट होता है, जहाँ पे जो जब जो ओमपुरी साहब होते हैं वो जब सलमान भाई को लेके जाते हैं, नवाजुद्दीन सर को लेके जाते हैं, तो जो कहाँ पे शूट हो रहा है वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो अभी जो है मैं जो चेक पोस्ट होता है, जो पाकिस्तान वाला चेक पोस्ट होता है, पाकिस्तान वाला नहीं, जहाँ पे जो चेकिंग चल रही होती है और ओमपुरी साहब जो है सलमान भाई को और नवाजुद्दीन भाई को लेके आते हैं, जब अपने स्कूटर पर लेके जाते हैं मुन्नी के साथ बुरका पहना के, तो वो जो सीन शूट हुआ था वो यहाँ पर हुआ था, आप लोग देख सकते हो। और मौलवी साहब की काफ़ी ज़्यादा जान पहचान होती है, तो वो लोग रोकते नहीं है। और यहाँ पर जो फोटो है इससे आप लोग मैच कर सकते हो, ये देखिए यहाँ पर ऊपर छतरी है, और मिला सकते हो पूरा सीन। यहाँ पे जो है चेक पोस्ट लगा हुआ होता है यहीं पे, तो ये सीन भी आप लोग देख सकते हो। और मैं कहूँगा यार क्या रखा है अब विदेश जाने में, यहाँ पे भी काफ़ी लेजेंडरी लोकेशन है, बॉलीवुड वाले यहाँ पे शूटिंग करने आने लग गए, तो आप लोग भी यार एक बार यहाँ पे आओ, ये हेरिटेज सिटी है। तो अभी जो नेक्स्ट लोकेशन है वहाँ पर हम लोग चलते हैं, और ये जो पूरी की पूरी जगह है ना दोस्तों, ये 1 से 2 मिनट की वॉक पर है आसपास में, मतलब 600 से 700 मीटर का ये जो एरिया ना, इसको पूरा पाकिस्तान बना गया था। और यहाँ पे जो है अभी हम लोग चल रहे हैं, बाकी वाइब यार काफ़ी अलग है यहाँ पे, आपको लॉट्स ऑफ फ़ोटोज़ मिल जाएगी यहाँ पे आपको इंस्टा के लिए, या फिर आपको और भी जैसे फोटोग्राफी का शौक है तो यहाँ पे आप लोग जो है हेरिटेज जो लोकेशन है उनकी फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। अच्छी अच्छी यहाँ पे काफ़ी लोकेशन है। और अभी चलते हैं वापस, 1 मिनट की वॉक है, 1 मिनट की वॉक के बाद जो है हम लोग एक दूसरे लोकेशन पर चलेंगे, जहाँ पर जो नवाजुद्दीन सर वाला जो दोस्त होता है जो भागता है, उसका भी शूट मैं दिखाऊँगा आपको कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों वापस हम लोग उसी लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ से सलमान भाई जो एंट्री करते हैं पाकिस्तान में, मतलब तारों के नीचे के बाद जो आगे खाना खाते हैं सुबह का जो सीन होता है वहाँ पे। और अभी यहाँ से जो है हम लोग चलेंगे जस्ट इन 1 मिनट की वॉक है, 1 मिनट की वॉक पे चलने के बाद जो सीन दिखता है दोस्तों, जहाँ पर जो नवाजुद्दीन भाई वाला जो बंदा साथ में होता है जो वीडियोग्राफी रिकॉर्ड करता है उनका वीडियो, तो वो जो ऊँट के नीचे से भागता है ना, वो सीन कहाँ पे शूट हुआ था वो दिखाता हूँ। ये देखिए आप, चोपदार हवेली है यहाँ पे, ये जो लोकेशन है वो है, और यहाँ पे जो है सीन शूट हुआ था। और ये छोटा सा नाला आप लोग देख सकते हो, वो गेट जो है वो आप लोग देख सकते हो, हालांकि कलर का डिफरेंस लगेगा क्योंकि कलर अभी चेंज भी हो गया काफ़ी, 2015-16 की बात है यार, वो 2015-16 मूवी आई थी, 4-5 साल हो चुके उस मूवी को। तो फ़ोटो साथ में शेयर किए मैंने, आप लोग देख सकते हो मैच करके फ़ोटो को दोनों को। तो यहाँ पे जो ऊँट वाला सीन शूट हुआ था वो यहीं पे हुआ था। तो अभी जो मस्जिद वाला सीन शूट हुआ था ना, मस्जिद का लोकेशन दिखा रहे हैं जहाँ पे मौलवी मिलने आते हैं सलमान भाई से और वो बाहर आ जाते हैं, तो वो लोकेशन जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जो ड्रोन शॉट हुए थे जहाँ पे हवेली का, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। और जो अब्बू वाला सीन शूट हुआ था ना, जो चाचा बाहर आते हैं, नवाजुद्दीन सर बोलते हैं अब्बा ये आपके नाते ने इनको नहीं पहचाना, क्या माफ़ कर दो ये वगैरह, तो वो जो लोकेशन है उस पे लेके चलता हूँ। वो एक जगह पे हुई थी आसपास में ही, लेकिन जो जगह है उनको दिखा दिया अलग अलग, तो अभी चलते हैं जल्दी से। तो ये जो जगह है दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे जो है बुरके का जो हटा के देखते हैं, जब भी जो पुलिस वाले हैं चेकिंग करते हैं कि जब बुरके वाली औरतें उनको देखो जो जासूस आया हुआ है, तो जब बुरका उठा उठा के देखते हैं, तो ये जो लोकेशन है वो ये है, यहाँ से ली गई थी, आप लोग मैच करके देख सकते हो फोटो में। तो ऐसे यहाँ से देखते हैं, और इसी जगह से ड्रोन शॉट लिया गया था जब वो ओमपुरी साहब जब सलमान भाई को लेके जाते हैं स्कूटर के अंदर, तो जो ड्रोन शॉट होता है वो इसी जगह का था। लोकेशन आपको दिखा दूँ एक बार 360 व्यू में। तो ये जो लोकेशन आप लोग देख सकते हो, वहाँ से जो ड्रोन शॉट है जब वो आते हैं, तो वहाँ से ले लेके यहाँ से आगे तक जो ड्रोन शॉट है वो चलता रहता है। तो ड्रोन शॉट भी आप लोग देख लो, मैंने शेयर कर दिया साथ में, बाकी ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है यार। और आप लोग जो है साइड बाई साइड खुद कंपेयर करके देख सकते हो सारी फ़ोटोज़ को। और अभी जो चाचा वाला सीन हुआ था,
जहाँ पे जो है अब्बू मैं तुम्हारी नातिन को जो भी सीन होता है जब नवाजुद्दीन सर बोलते हैं भाई उनको बोलते हैं कि देखिए माफ़ कर दीजिए पुलिस वाले जब उनको छोड़ने आते हैं, तो वो जो सीन शूट हुआ था वो यहाँ से हुआ था, यहाँ पे इस जगह पे, ये जो हवेली है ये वो है जहाँ पे जब अंदर आते हैं वो चाचा बाहर आते हैं, तो ए चाचा बाहर आओ, तो ये जो दो ताले लगा दिए यहाँ पे जब परमिशन होती है तब भी खोलते हैं, और ये सेवाराम सराफ जी की हवेली है, और यहाँ पे ये जो चौकी आप लोग देख सकते हो मैच करके, वहाँ पे जो मीटर है वो दूसरा मीटर लग चुका और जो पहला मीटर है वो वहीं पे है, ये देखिए आप लोग। तो साथ में जो फ़ोटोज़ है वो मैंने शेयर कर दिया, आप लोग देख सकते हो और मैच कर लो हर एक जगह को। तो धूप बहुत है यार, गर्मी बहुत है, बारिश हो गई थी लेकिन जो गर्मी है ना उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा है। और अभी जो लास्ट लोकेशन है हमारी वहाँ पे हम लोग चलते हैं, वो थी मस्जिद वाली, और वैसे तो काफ़ी लोकेशन और है लेकिन इस वीडियो में इतनी लोकेशन कवर करूँगा क्योंकि जो और लोकेशन है वो काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे एक ये हवेली आप लोग देख सकते हो क्या कमाल की है, और जो मस्जिद वाली लोकेशन है वो है, लेकिन वहाँ जो जब ओमपुरी सर की एंट्री होती है जब वो स्कूटर लेके आते हैं तो वो जो सीन होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से लिया जाता है। वो जो सीन है वो इस कॉर्नर से लिया जाता है, यहाँ से जहाँ पे मैं हूँ अभी, यहाँ से ऐसे लिया जाता है, सामने ये कुआं दिख जाता है, इधर खड़े होते हैं हम लोग, तो यहाँ से लिया जाता है ऐसे जब वो आते हैं तो, और ये पूरा का पूरा सीन शूट होता है यहाँ से इस साइड से, तो यहाँ पे वो आते हैं और एंट्री जो है उनकी होती है, और जो ऊपर से जो पाकिस्तान का व्यू दिखाया जाता है जो मस्जिद वाला वो कहाँ से दिखाया जाता है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। एक एक चीज़ को फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल होता है यार। ये देखिए क्या कमाल का व्यू है, काफ़ी अच्छी जगह है, थोड़ा थोड़ा इनको जो है मेंटेनेंस पे ध्यान देना तो काफ़ी अच्छी जगह होती है, और वो उसके ऊपर होता है जो सोए रहते हैं ना वो उसके ऊपर, और यहाँ से जो है सीन लिया जाता है, जो छतरी आप लोग देख सकते हो और जो मस्जिद है वो सामने गेट आप लोग देख सकते हो, तो मस्जिद वाला सीन जो है यहाँ से लिया जाता है, जो एंट्री होती है फिर शॉट होता है वो, और अभी जो है सलमान भाई जब बैठते हैं तो वो सीन मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे बैठते हैं, तो वो सीन भी अब देखते हैं हम लोग जब सलमान भाई बाहर से बैठते हैं, तो वो जो सीन लिया जाता है दोस्तों वो यहाँ से लिया जाता है, और ये जो छप्परे हैं इनके लगे हुए आप लोग देख सकते हो, मैं पास में से दिखा दूंगा इनको कि इनको जो है वापस लगाया गया था, पहले ये नहीं थे लेकिन मूवी की जो शूटिंग हुई थी तो इनको वापस लगा दिया गया था बाद में, और पहले ये सब नहीं थे, ग्रिल वगैरह कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे जब सलमान भाई बैठते हैं तो वो सामने वाली जगह है वहाँ पे बाहर आके बैठते हैं, जब उनको पता चलता है मैं मस्जिद में हूँ तो वो वहाँ पे बैठ जाते हैं, और ओमपुरी सर यहाँ से आते हैं ऐसे लिया जाता है वो सीन, एक बार मैं ऊपर चढ़ के वापस दिखा दूँ। तो यहाँ से जो सीन है वो, तो यहाँ से जो शूट है वो यहाँ से होया होता है ऐसे इस एंगल से, तो वहाँ पे जो है सलमान भाई इस जगह पे बैठ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो विंडो आप लोग देख सकते हो इसका जो है ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो नहीं था, मैं पास से दिखा दूँ एक बार, यहाँ पे ये वापस लगाए गए हैं बाद में, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सीमेंट वगैरह लगी हुई है, तो इनको जो है बाद में लगाया गया था, और यहाँ से जो है मस्जिद वाला सीन जब वापस आते हैं ओमपुरी साहब तो यहाँ से इस साइड से आते हैं, जब सलमान भाई यहाँ पे बैठे हुए होते हैं ऐसे इधर से आते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, और फ़ोटो मैंने सारी शेयर की है साथ में, और फ़ोटो मैं साथ में शेयर कर रहा हूँ आप लोग देख लेना कंपैरिजन करके। और ये रही मस्जिद, यहाँ पे बोर्ड टेम्परेरी जो बोर्ड होता है वो लगा दिया जाता है यहाँ पे, ये नीचे जहाँ पे सलमान भाई बैठते हैं वो सीन है, और ये पूरा गेट आप लोग देख सकते हो मस्जिद वाला। तो दोस्तों ये जो लास्ट लोकेशन थी जहाँ पे बजरंगी भाई जाने वाली, वो भी मैंने आपको दिखा दिया, और यहाँ पे काफ़ी लोकेशन बच गई, जो जैसा कि जब वो लोग ट्रक से जाते हैं निकलते हैं और जो टिब्बा होता है जब वो जीप के अंदर केला डालते हैं, तो वो जो लोकेशन है वो रह चुकी है, वो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। और ये जो लोकेशन थी दोस्तों, ये जो जहाँ पे जो मस्जिद बनाई थी, ये होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है यहाँ पे मंडावा कोठी के नाम से, और ये जो होटल है इसका एंट्रेंस मैं आपको दिखा दूँ एक बार कैसा है, यहाँ से इसका एंट्रेंस है, ये जो गेट है वो यहाँ से है, और वहाँ पे मंडावा कोठी नाम लिखा हुआ है, होटल आप लोग देख सकते हो, एक हेरिटेज होटल है, और वहाँ पे वो भी उसका दरवाज़ा है, वो भी आने जाने का है और ये भी आने जाने का, लेकिन वहाँ पे जो इनके जो स्टाफ वाले होते हैं वही आते हैं। तो अभी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, जय हिंद जय भारत।